गाइस, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है और आज फीस्ट है हमारी, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप देख सकते हैं हम मेस में हॉस्टल के, और अभी चाय के लिए हमने, और फीस्ट है आज तो इसलिए पोए अभी लेट है, क्योंकि फीस्ट है तो इसलिए पोए लेट बनेंगे अभी, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं पोए का। तो वेट करते हैं, फिर पोए मिलेंगे, फिर फीस्ट का मजा लेंगे आज। तो चलिए गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब है, वेट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, देखो इधर भी है। बन चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर भीड़ लग चुकी है पोहे के लिए, और सब पोहे लेने के लिए बेकर आ रहे हैं अभी, क्योंकि पोहे बन चुके हैं और अभी आ चुके हैं। साथ आप देख सकते हो थाली लेकर अंकल जी के ऊपर गिर रहे हैं। ये देखो गाइस, वहाँ पर पोहे ले लिए हैं उन्होंने। ये देखो इसका नाम क्या है, ऋतिक वीरपरा, तो उसने पोहे ले लिए हैं, और संदीप माहेश्वरी भी है यहाँ पर। तो ये देखो सबको मजा आ रहे हैं, ये देखो पोहे मिल गए, मजा आ रहे हैं। देखो कैसे करते हैं, कैसे है, अजय एक नंबर, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, चलिए हमारा भी भाई गाइस, हमने भी एक पोए ले लिया, आप देख सकते हैं। तो अभी हम पोए खाएंगे, फिर उसके बाद रूम में जाएंगे। तो गाइस अभी पोए खाकर ऊपर आ चुके हैं, और अभी देखो चलो रूम में चलते हैं। और ये वसुदेव अभी भी सो ही रहा है, देख सकते हो अब ये अभी भी सो रहा है। शमाइला बैक कैमरे से बता था, तो चलते हैं बाहर, पोए खाली है तो क्योंकि आप संडे है तो फुल एंजॉय करेंगे, जिंदगी करेंगे, चलिए चलते हैं बाहर। अभी आ चुके हैं बाहर, और आज तो बहुत कमी है ठंड, इसलिए बाहर आए हैं हम। तो रो तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन आज नहीं, इसलिए बाहर इसमें आ गए, और क्योंकि संडे भी आता हूँ। चलो चलते हैं, घूम कर आ चुके हैं बाहर से, और बाहर थोड़ी बहुत ठंड थी तो इसलिए आ गए हम वापस। तो चलिए रूम में चलते हैं वापस से, वासुदेव पता नहीं उठा होगा कि नहीं उठा होगा, उठाएंगे उसे एक देंगे। तो गाइस वो तो कुंभकर्ण का ही भाई है, देखो अभी भी सो रहा है। अभी हम पोहे भी खा चुके हैं, चाय भी लिए और घूम कर भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सो रहा है, और मैंने उसे दो बार पहले उठा दिया था। तो चलिए उसे सुन देते हैं, क्योंकि संडे आज तो जड़ लाल है वो तो। तो अभी वेट करते हैं फीस्ट का। गाइस अभी 2:16 हो चुकी है, और अभी भी खाना नहीं बना है, और अभी नहा लिए हैं, और बाहर जा रहे हैं, धूप में आ चुके हैं, ठंड लग रही थी, ठंडे पानी से नहाए इसलिए ठंड लग रही थी। तो अभी बाहर धूप में घूमने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं वासुदेव और विकास भी है, हम तीनों जा रहे हैं। तो चलिए वेट करते हैं, लगभग घंटे लगने में ही है, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। इंतजार अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि घंटी बज चुकी है, खाना बन चुका है, और हम सोए हुए थे तो उठ गए। देखो ये वो विकास पानी पी रहा है, और वासुदेव भी अभी कंबल में ही है, तो मालूम है अभी जाएंगे नीचे और फिर खाना खाएंगे। तो फिस्ट है, चलिए चलते नीचे, तो अभी चलते हैं। सो गाइस अभी जा रहे हैं नीचे, और ये विकास थोड़ा लगा रहा है, तो चलिए चलते हैं। अरे ये मार नहीं करो, मैं यही। हाँ हाँ जा। तो गाइस अभी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि अभी मतलब केवल जो छोटे बच्चे हैं उनको ही खाना दे रहे हैं, हमें लेट मिला है, क्योंकि अभी पूरा खाना बना नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और हमारे तो मतलब 12 बज चुकी है,
तो हमें थोड़ी देर से मिलेगा, जब वो खा लेंगे तो वेट करते हैं। अभी तो केवल 8 तक के ही कोई मिल रहा है, तो जब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर दूसरे रूम में ठंड लग रही है, इसलिए साइड वाले रूम में आ गए, तो चलिए वेट करते हैं। हम आ चुके हैं, बारी हमारी, तो आप देख सकते हो सब आ चुके हैं यहाँ पर, और 8 खाली है, तो इसलिए अब हम आए हैं खाने के लिए, तो जब हमें पड़ता ज्यादा इन तक तब खाएंगे, तो चलिए वेट करते हैं कब परोसेंगे हमें। खाना मिल रहा है, आप देख सकते हो दूसरा अंकल जी, वो मतलब ईश्वर अंकल जी दाल बांट रहे हैं, और ये खाना आ चुका है हमारी प्लेट में, और अभी हम खाएंगे, तो चलिए पहले पेट पूजा करते हैं, फिर उसके बाद लोग बनाएंगे, तो चलिए पहले खाना खाते हैं। तो आप देख सकते हो जैसा भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी, है ना। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सभी खाना खाकर वापस आ चुके हैं ऊपर रूम में, आप देख सकते हो विकास भी है, और ये इधर की साइड वासुदेव भी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो जो फीस्ट है वो खत्म हो चुकी है, और मतलब खाना खा लिया है हमने, और आज का दिन भी लगभग खत्म होने को ही है। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।